झोला छाप डॉक्टर पर लगा नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप। पहले युवक को खूंटे से बांधा गया, फिर बाल मुंडवाकर पीटा गया। दरभंगा में एक झोला छाप डॉक्टर पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किए जाने का आरोप लड़की के परिजनों ने लगाया है। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पहले मवेशी के खूंटे से बांधा, फिर बाल मुंडवाकर उसे अर्धनग कर युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लड़की के परिजनों ने चोरी का आरोप लगाते हुए युवक को भद्दी भद्दी गालियां दी। मामला मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का है। इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर का नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार कुशेश्वर स्थान थाना में एक युवक जो इलाके में झोला छाप डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था, वह रोजाना सुबह अपने घर से निकलता था और पूरे इलाके में घूमता था। बाजार में उसका एक क्लिनिक भी था। मंगलवार की रात झोला छाप डॉक्टर बिरौल से वापस आकर क्लिनिक में ही रुक गया। ग्रामीणों का आरोप है कि देर रात को शौच के लिए निकली एक नाबालिग लड़की का मुंह दबाकर वह अपने क्लिनिक में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर घर में सो रहे परिजन उठकर बाहर आए। वहीं इस मामले को लेकर के दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या है कुशेश्वर स्थान में डॉक्टर की पिटाई का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? ये ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को बांधकर उसकी पिटाई की है। इसमें एफआईआर के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर 6 नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और एसएचओ और एसडीपीओ को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कारण क्या है सर पिटाई के पीछे, कारण क्या है? अभी जो सूचना आपूर्ति सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसमें तो ये बताया गया है कि किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने का मामला है, इसके कारण ग्रामीणों ने इनकी पिटाई की। लेकिन कारण जो भी हो, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले और इस तरह से किसी के भी साथ इस तरह से बर्ताव करे। अगर उनकी कोई शिकायत थी, इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया था, तो उनको चाहिए था कि पुलिस को सूचना देते और पुलिस इस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करती। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। फिर वीडियो फोटो कुछ अपलोड किया गया है सोशल मीडिया पर और ये बताया जा रहा है कि लव अफेयर का मामला, कहीं ना कहीं वो मिलने गया था अपनी प्रेमिका से, तो इस घटना का अंजाम दिया। ये अभी तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आया है और अभी एफआईआर जस्ट आज हुई ही है, तो जांच के क्रम में सब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कारण था। पीटने वाले की पहचान हो गई है क्या सर? हाँ, 5-6 लोगों का नाम एफआईआर में दिया गया है, 6 नामजद अभियुक्त हैं। इसके अलावा भी हम लोग जाँच करेंगे अगर इसमें और भी कोई संलिप्त है तो। उसकी हालत क्या है सर जिसकी पिटाई की गई है? अभी तो ऐसी कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। ठीक है। हम देखिए वायरल हो गया था, मान लीजिए ये इस तरह का मामला है। देखने के बाद बहुत ही काफ़ी तकलीफ होता है, क्योंकि ये मामला प्रेम प्रसंग का था। यदि मामला प्रेम प्रसंग का था तो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, स्थानीय पदाधिकारी लोग थे, स्थानीय समाज के लोग थे, ये सब मिलकर इस मामला को निष्पादन किया जा सकता था। लेकिन एक व्यक्ति को खूंटे में बांध कर बैल की तरह, जानवर की तरह खिचेटा गया, बाल काट लिया, कान काट लिया और इस तरह से उसको बेरहमी से मारा गया। इसके बावजूद भी समाज के जो लोग थे, जो ठेकेदार थे, पंचायत करके 1,65,000 का जुर्माना किया गया, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि अविलंब इस दोषियों पर कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तारी की जाए। आपका नाम? मैं पूर्व प्रत्याशी गोरा बोरा विधानसभा क्षेत्र विनोद बम्पा।